टीम इंडिया के हारने के बाद मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला, तो पीएम मोदी के मुरीद हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने ऐसा बोला कि हिंदुस्तानी भी जमकर कर रहे हैं तारीफ। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में मिली निराशा के बाद भारतीय खिलाड़ी काफी हताश थे। होते भी क्यों नहीं, पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। हालांकि फाइनल मुकाबले में उनका दिन खराब रहा और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के बाद जब सभी खिलाड़ी गम के सागर में डूबे हुए थे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा और कहा, ये खेल है और यहाँ जीत हार लगी रहती है। आपने लगातार 10 मुकाबले जीते, एक हार से आप टूट नहीं सकते। साहस रखिए और अपने साथियों को भी संभालते रहिए। दुख की इस घड़ी में पीएम द्वारा मिली सांत्वना के बाद खिलाड़ी काफी खुश नजर आए। इन खिलाड़ियों ने पोस्ट के जरिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी की इस व्यवहारिक मुलाकात की सराहना पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हो रही है। ग्रीन टीम के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए हैं। उनका मानना है कि वो खिलाड़ियों को बच्चों की तरह मानते हैं। एक चैनल के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, कुछ लोग खिलाड़ियों की बीवियों के बारे में काफी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन लानत है ऐसे लोगों पर जो ऐसा सोचते हैं। वो तो अपने पतियों को सपोर्ट करने पहुंची थी, तो उन्हें क्यों ट्रोल किया जा रहा है। आप अपने वजीर आजम को ही देख लीजिए, कितना अच्छा काम किया उन्होंने। वो सीधा उनके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। आपके पीएम ने साफ संदेश दिया है कि वो दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। टीम के लिए बड़ा इशारा था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। ये बहुत ही अच्छा और भावुक पल है। वो अपने खिलाड़ियों को बच्चों की तरह देखते हैं, यही वजह है कि उन्होंने बच्चों की तरह उनका मनोबल बढ़ाया है। ये उनकी तरफ से महान संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की। शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ट्रोल किया जाए। रोहित शर्मा ने तगड़ी कप्तानी की है, लेकिन लास्ट में थोड़ा मिस हो गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर किस तरह से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी जनता भी बोल रही है कि मैच तो हार गए, लेकिन वो एक सच्चे योद्धा की तरह लड़े, हमारी बकवास टीम की तरह नहीं। फिलहाल शोएब अख्तर के बयान से तो यही लगता है कि वो पीएम मोदी के इस जेस्चर से काफी प्रभावित हुए हैं और उनकी जमकर तारीफ भी की। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ सबको। होता है, कहाँ रहो, कहते हैं अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो, इसने थोड़ा थोड़ा कर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे, तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको।